हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के बारे में, जो कि आज से ओपन हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी किस फील्ड में काम करती है, क्या है आईपीओ की पूरी डिटेल्स एंड प्राइसिंग, और जानेंगे आईपीओ का आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, और बताएंगे आप इसमें अप्लाई करें या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी की, तो ये इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। कंपनी का बिजनेस लार्ज अप्लाइंसेस और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल एंड स्मॉल अप्लाइंसेस बनाने का है। The company's offerings include more than 6,000 stock keeping units across product categories from more than 70 consumer durable and electronic brands. तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अब इसकी IPO डिटेल्स देखें तो ये IPO 4 अक्टूबर यानी आज से ओपन होगा, और 7 अक्टूबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड देखें तो 56 रुपीज़ से 59 रुपीज़ है, बट हम इसे 59 रुपीज़ पर ही अप्लाई करेंगे, तो हम इसे 59 रुपीज़ ही मानकर चल सकते हैं। लॉट साइज 254 शेयर्स का है, तो इस हिसाब से एक लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम 14,986 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसका इशू साइज़ 500 करोड़ का है, जो कि बढ़िया है। हम सबको शेयर्स 12 अक्टूबर को अलॉट होते नज़र आएंगे, और जिनको शेयर्स नहीं मिलते उनको रिफंड्स 13 अक्टूबर को इनिशिएट कर दिए जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री कैश इक्विटी कॉल्स मिलती हैं, जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चलता देखने को मिल रहा है, और आज का GMP देखें तो वो 31 रुपीज़ चल रहा है, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर मार्केट लिस्टिंग के टाइम मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो हमें अभी के GMP के हिसाब से 50 से 60% लिस्टिंग गेन्स इन्वेस्टेड अमाउंट पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि GMP अभी आने वाले दिनों में और बढ़ता देखने को मिलेगा, तो उसकी अपडेट्स हम इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। तो IPO की GMP अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब जान लेते हैं कि इसे अप्लाई करना है या नहीं। तो हमारी सलाह आपसे यही रहेगी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन्स के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ में अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचें, क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी ना होने के कारण हमें शॉर्ट टर्म में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।